हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, अब आपका जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम था 9, 10 और उसके बाद फिर आपका 13 तारीख को एग्ज़ाम जो है वो होना था, ठीक है। आपको भी पता है 9, 10 अगस्त तारीख के मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किए थे, और भी अलग अलग जगह पे आपको एनालिसिस मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी, तो अगर आपने वो चीज़ें नोटिस नहीं की हैं तो मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर वन, आप क्या करिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं या फिर आपको आने वाले शिफ्टों में किस तरह के जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए जितने भी आपके स्टेट के सीएम हैं, गवर्नर हैं, ठीक है, रट लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, ठीक है, पहला आपको सीएम और गवर्नर्स रटने हैं, दूसरा आपको हो गया आपको फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के, ठीक है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। फिज़िक्स में आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे मास, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इससे रिलेटेड थर्मोडाइनमिक्स के लॉस, तो ये सारे बहुत ही कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है आप ये फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा आपका ओम्स लॉ, डायोड की इक्वेशन, ठीक है, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीरीज़ और पैरेलल, एमीटर को जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वो उसमें वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, एक तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फार्मूला बेस्ड में आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री, ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में आपके किस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो केमिस्ट्री में आपको जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं रिगार्डिंग, जैसे आपका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, इस तरह के आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, एलम, उसका फॉर्मूला क्या है, पोटाशियम, सॉरी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मेटल्स हो गए और मेटल्स के जो ओर हो गए, ठीक है, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और प्लस आपके इंपॉर्टेंट एलोइस, जैसे ब्रास, ब्रोंज, ब्रास जैसे कॉपर एंड जिंक का हो गया, ब्रोंज कॉपर और टिन का हो गया, जर्मन सिल्वर आपका कॉपर जिंक और निकल का हो गया, रोल्ड गोल्ड आपका जो कि कॉपर और एल्युमिनियम का हो गया, गन मेटल, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है आपका गन के बैरल्स, गियर्स और बियरिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कॉपर, टिन, जिंक और लीड, ठीक है, ये सारी मात्रा होती है, मेजर इसमें कॉपर होता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं एमलगम, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो प्रोसेस हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, तो ये सारे चीज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा कार्बन के दो चार बॉन्ड्स कर लीजिएगा, जैसे इथेन, प्रोपेन, ठीक है, तो ये सारे कैसे कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक आपके इन्वेंशन से आ रहे हैं रिलेटेड, ठीक है, इन्वेंशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आपको एसएससी के जितने भी इन्वेंशन आए थे, एसएससी के, सीजीएल के 2017 में पेपर होते, उसमें बहुत इन्वेंशन के क्वेश्चन आए हुए थे, और उसमें सारे रिपीट हो रहे हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डीडीटी पूछा गया था और टेलीफोन का पूछा गया था, तो ये एसएससी में भी पूछे गए हुए हैं, हेलीकॉप्टर ब्रैकेट, ठीक है, तो एक बार एक लिस्ट है वो भी फटाफट से देख लीजिए। ए जो फर्थ, सी सी पैटर्नसन, एयरप्लेन, राइट ब्रदर्स, ठीक है, सभी को पता होगा, एनालिटिकल इंजन, थॉमसन एडिसन, एप्पल कंप्यूटर, स्टीव जॉब्स, सभी को पता है, एटॉमिक नंबर, मोस्ले, ऑटोमोबाइल, फर्डिनांड वर्बिस्ट, बैरोमीटर, ठीक है, इवेंजलिस्ट टॉर्सिलाई, ठीक है, टॉर्सिलाई के ऊपर एक इक्वेशन भी दी होती है इसने, बैटरी, उसके बाद एलेसेंड्रो वोल्टा, ब्लड ग्रुप सी, अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कोल, लैंडस्टीनिन, बोर्स का इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बोल्स का बोल्स ला, कैमरा का स्टीवन सेसन। तो इस तरह से मैं फटाफट से दिखा रहा हूँ, आप पोज करके देखते रहिएगा। डायनामाइट कितना इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजल इंजन और डायनामाइट, डीजल इंजन का आपका रडोल्फ डीजल, और डायनामाइट का है आपका अल्फ्रेड नोबल, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब थॉमस एडिसन, इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे जो हैं करने हैं। फेसबुक का इंपॉर्टेंट है मार्क जुकरबर्ग, सभी को पता होगा, फ्यूल सेल का विलियम रॉबर्ट ग्लव, ज्योमेट्री का यूक्लिड, गूगल का लैरी पेज, ठीक है, हेलीकॉप्टर का भी आया था ब्रकेट, हाइड्रोजन पंप का बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एडवर्ड टेलर, इंसुलिन का भी पूछा था फ्रेडरिक पेंटिंग, इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विंट कर्फ, ठीक है, उसके बाद देखिए लेजर प्रिंटर का बहुत इंपॉर्टेंट है गैरी स्टीवर्ट फेदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवाइजर, लॉ ऑफ गैसेस के लुसाक,
ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो सभी को पता होगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम, लाइट एमिशन डायोड का आपका निक होलियनेक एंड ओलेग लोजेव, लोगेरिथम का आपका जोन नेपियन, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सर टिम बर्न्स ली, LEE, ठीक है। एक्सरेज का विलहेम कॉनरेड रोंटेगन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा एक आपको जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट हो गए आपके, स्पोर्ट्स इवेंट्स में जितने भी करंट के, जैसे IPL मैचेस हैं, ठीक है, IPL मैचेस में कौन जीता है अभी, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। और 2020 में अगला वर्ल्ड कप जो है वो उसका T20 कहाँ पे होगा, ICC वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। एशियन वुमेन एशियन हॉकी कप, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आप कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरा ये प्रयास जो है वो सभी तक शेयर करिए, ठीक है। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।